ये बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है, भगंदर इसको कहा जाता है। एलोपैथी में इसके लिए सर्जरी कराते हैं तो दोबारा हो जाता है। पतंजलि में हम लोग शल्य चिकित्सा भी करते हैं, उसको क्षार सूत्र कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शल्य चिकित्सक, सबसे पहले सर्जन महर्षि सुश्रुत थे। और हमारे यहाँ पर, हमारे पतंजलि की वेबसाइट पर भी आप जा कर के देख सकते हैं, हमने सैकड़ों रोगियों के जो ऑपरेशन के हमने लाइव डाल रखे, वो क्षार सूत्र से उसको बांधते हैं। और जिनको तीन तीन पाँच पाँच बार ऑपरेशन करवाया था, एम्स में, अपोलो में, पीजीआई में, अलग अलग जगह, उन लोगों को हमने ठीक किया है। तो पहली बात तो है कि सामान्य आपको पायल्स फिशर फिस्टूला है तो प्राणायाम से ही ठीक हो जाता है, अर्शकल पट्टी ले लो, अभयारिष्ट पी लो, इसी से ठीक हो जाता है। लेकिन ज़्यादा है तो पतंजलि में आकर के आप क्षार सूत्र करवा लें, 100% उसका ये समाधान है। एक नस बन जाती है, उसमें पीप बनता रहता है, बहुत कष्ट देता है भगंदर फिस्टूला। तो इसका का परमानेंट इलाज है पतंजलि में। जिनको बहुत ज़्यादा, मैं सभी को खुले मन से आमंत्रण दे रहा हूँ, और लगभग 3 से 7 दिन लगते हैं उसको पूरा फुलफिल होने में, फिर घर जा करके और आराम कर सकते हैं। यहाँ पूरी इंडोर पेशेंट को हम भर्ती करते हैं, और उसका फिर ये, यदि किसी को बहुत ज़्यादा है तो 10-15 दिन भी हमको रखना पड़ता है, तो उसकी सारी व्यवस्था यहाँ पर है। और बहुत नो लॉस नो प्रॉफिट पर उनको, माने रहने खाने पीने के लिए जितना सामान्य खर्चा होता है उतना हम खर्च लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे लिए ये चिकित्सा कोई धंधा नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, यह हमारे लिए सेवा है। क्योंकि महर्षि चरक, सुश्रुत आदि ऋषियों ने जो योग की, आयुर्वेद की, महर्षि पतंजलि ने, और वेदों की परंपरा, गौतम कणाद, जमनी पाणिनि, पतंजलि से लेकर के महर्षि दयानंद आदि ऋषियों ने जो हमें ये जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हम आगे बढ़ाते हैं। ऋषियों के वंशधर, उनके प्रतिनिधि होने के नाते हम इस परंपरा को प्रामाणिकता पूर्वक आगे बढ़ाते हैं। तो जिनको भी किसी को ये ऐसा रोग विशेष है, वो पतंजलि में आकर के फिस्टूला का 100% उपचार करवा सकते हैं। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है।